माधवनगर रेलवे कॉलोनी में मिला दो मुहा सांप, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत। पुलिस ने सांप को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। माधवनगर रेलवे कॉलोनी के पास में एक दो मुहे सांप मिलने की सूचना मिली थी डायल 100 पे, जिसमें डायल 100 ने मौके पर पहुंच के और उसको किसी डिब्बे में लेके और आए थे, जिसको वन विभाग को सपोर्ट किया जा रहा है। राजगढ़ में हुई भोलेनाथ की महाआरती, भंडारे का हुआ आयोजन, महादेव से की सुख समृद्धि की कामना। भिंड के वार्ड नंबर 14 में भूमाफिया ने किया उपद्रव, मामला शांत कराने पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी पर किया पथराव, कीचड़ भी फेंका। तो उन्होंने ही अपने हाथों से अंबेडकर जी की मूर्ति उठवा के दूसरी जगह में रख दी है, वहाँ पर सुरक्षित है और सारी लैंड ऑर्डर की जो स्थिति पैदा हुई थी वहाँ पे वो नहीं है, हमने काबू कर लिया। रायगढ़ के खोंधला गांव में दोहरा हत्याकांड, नाबालिग बेटे ने माता पिता को मारकर जमीन में गाड़ा, गांव में दहशत का माहौल। रायगढ़ में स्कूल बचाओ संघर्ष मोर्चा ने कलेक्टर से की मुलाकात, स्कूल का नाम बदलने का विरोध, कलेक्टर ने कहा किसी ने लोगों को किया गुमराह। कोई हिंदू में स्कूल बंद नहीं होने जा रहा, किसी ने इनको गुमराह किया है और ये दूसरा है कि भेदभाव हो रहा है, तो हिंदी मीडियम बच्चों से दूसरे को भेदभाव नहीं हो रहा, उसको सेम फैसिलिटी दोनों उसे यूज करेंगे। बड़वानी में सांसद की पहल पर बंधक मजदूरों को लाया गया वापस, 300 से ज्यादा मजदूर कामकाज के लिए गए थे बाहर। इसलिए संज्ञान में आने के बाद में हम सब लोगों ने पहल करी और पहल करने के बाद में हमारे सभी समाज के भाई यहाँ पर आए हैं और आज इनको व्यवस्थित उनके घर पर पहुँचाया जाएगा, निश्चित तौर पर अपने परिवार से सुखी रहे। ग्वालियर में फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में असिस्टेंट कमांडेंट का प्रशिक्षण लेने आई युवती ही निकली मास्टरमाइंड, खुद ही तैयार किया था अपना फर्जी नियुक्ति पत्र। लाहौर में मूर्ति हटाने को लेकर प्रशासनिक अमले पर हुआ पथराव, अवैध रूप से रखी गई भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाने पर हुआ था विवाद। सरदारपुर में अवैध बायोडीजल पर प्रशासन ने की कार्रवाई, 800 लीटर अवैध रूप से बेचने के लिए लाया गया था बायोडीजल किया जब्त। हमने 3-4 ढाबे पर कार्रवाई करी थी, जिसमें से वंश ढाबे पे सरपंच ढाबे के पास में वंश ढाबे पे हमें 800 लीटर बायोडीजल जब्त किया है और एक डिस्पेंसिंग यूनिट मिली है जिससे वो सप्लाई करता था, तो 800 लीटर बायोडीजल डिस्पेंसिंग मशीन और सप्लाई करने की मशीन थी, ये सब हमने जब्त करके प्रकरण नियमित कर रहे हैं। रीवा में अध्यापकों और कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की, मांग को लेकर राइजिंग आजाद मिशन ने पूर्व मंत्री और विधायक को सौंपा ज्ञापन। तो अभी जानकारी में आया है तो चर्चा करने के बाद ही कुछ इसमें बता पाएंगे, लेकिन हमने अपने ओर से उनको आश्वस्त किया है कि आपकी बात ऊपर से जाएंगे। बुरहानपुर के धुलकोट गांव में पीने के पानी के लिए जूझ रहे लोग, मामले का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को समस्या के निराकरण के दिए निर्देश। कल शाम में ही एक वीडियो मेरे पास आ गया था जिसमें जो आलिया की आप बात कर रहे हैं वहां से पेयजल की समस्या थी, मैंने इमीडिएटली वो वीडियो पीडब्ल्यूडी को पीएचसी को भेजा है और एसडीओ पीएचसी ने मुझे कंप्लेंट भी दे दी। ग्वालियर में रिटायर फौजी का वापस लौटने पर धूमधाम से किया गया स्वागत, जगह जगह से निकाला गया जुलूस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।